दुनिया भर में तेजी से फैलते जा रहे कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया के बड़े संस्थानों ने मिलकर काम करने का ऐलान किया है। इनमें वर्ल्ड बैंक, गूगल और WHO का नाम शामिल है। ये तीनों संस्थाएं मिलकर कोरोना को खत्म करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से अब तक 3,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दुनिया भर में 93,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यह वायरस 60 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना से बचने के लिए भारतीय तरीके अपनाने को कहा। इसराइली PM ने देश के आवाम से अपील की कि वो हाथ मिलाने की जगह भारतीयों की तरह नमस्ते करें, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। यूरोपीय देश फ्रांस में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बुधवार को यहां 73 नए मामले आए। फ्रांस में अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 285 हो गई है। जिनेवा में UN दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। सिंधी समुदाय के लोगों ने धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना सिंधी समुदाय के लोगों का धार्मिक उत्पीड़न करती है। अमेरिका से शांति समझौते के बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने बड़ा हमला किया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक तालिबान ने कुंदुज के इमाम साहिब जिले में एक बड़े हमले को अंजाम दिया। अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवारों की होड़ अब पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और सेनेटर बर्नी सैंडर्स के बीच सिमट गई है। 14 राज्यों में हुए प्राइमरी चुनाव में इन दोनों नेताओं में ही मुख्य मुकाबला देखने को मिला। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने अभियान पर लाखों खर्च करने के बाद माइकल ब्लूमबर्ग ने खुद को रेस से बाहर कर लिया है। न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर रह चुके माइकल ब्लूमबर्ग ने अपने इस अभियान में करीब 40 करोड़ डॉलर खर्च किए। टर्की के आक्रामक रुख से सीरिया का इदलिब प्रांत अब युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है, जहां सीरियाई फौज और टर्की के समर्थन वाले विद्रोही गुटों में भीषण लड़ाई जारी है। चिली में सार्वजनिक परिवहन के बढ़े किराए के खिलाफ एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन हुआ। राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर उतरे छात्रों ने जमकर बवाल किया।